हाय एवरीवन, आई एम शिमई। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन, थोड़ा सा डिक्लटरिंग और एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोग को ये वाला मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल बटन भी होगा तो उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फिलहाल मैं जो है किचन के जो गैस स्टोव रहता है यानी कि स्टोव टॉप रहता है वो क्लीन कर रही हूँ। आप लोग को पता ही होगा हम लोग हमेशा चाय पीते हैं, और जब भी चाय बनाती हूँ ना, चाय जो है गिर ही जाता है और इसके नीचे जो है पूरा मेस हो जाता है, तो ये आराम से ऐसे उड़ जाता है। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे है मेरा बड़ा सा पैकेट और बड़ा सा बॉटल बेकिंग सोडा और विनेगर को, तो उसको दे के मैं करीबन 30 मिनट्स to 1 आवर ऐसे ही रख देती हूँ ताकि वो जितना भी गंक और जितना भी मैला है थोड़ा सा फूल जाए। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ ना, उसको एक स्पैचुला की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से थोड़ा सा जो शार्प हो उससे उसका जो एक्स्ट्रैक्ट है यानी कि जो जितना भी मैला है वो निकाल देती हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि एक जो स्क्रबिंग ब्रश आता है ना एल्युमिनियम वाला जो वायर का, उस ब्रश की मदद से जो भी और कुछ जो एक्स्ट्रास बचा है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आधा घंटा एक घंटा थोड़ा सा भिगोने में टाइम लगे और फिर क्लीनिंग में 30 मिनट आराम से लग जाता है। तो इस दिन मैं क्या करती हूँ ना, पहले से ही खाना बना के रख लेती हूँ या फिर रात को कर लेती हूँ ताकि सुबह तक जो है सारा क्लीन हो जाए। और अभी जैसे ही सारा जो क्लीन हो चुका है, अब मैं एक टॉवल की मदद से उसको गीला करके फिर उसको सारा जो मैला है वाइप डाउन कर रही हूँ। तो अभी तो आप लोग को पता ही होगा हर कोई जो है घर पे ही है, तो अगर इस टाइम में आप लोग थोड़ा सा किचन क्लीन या फिर घर का कोई भी पार्ट क्लीन करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है अपना टाइम लेकर थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा बार बार ऐसे क्लीन करना पड़ रहा है, तो मैं अपना जो टॉवल है उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और बार बार फिर से क्लीन कर रही हूँ पूरा जो गैस स्टोव टॉप है। और मेरे चैनल में ऑलरेडी एक किचन डेडिकेटेड किचन क्लीनिंग वीडियो है जिसमें मैं डीप क्लीन की हूँ, तो अगर आप चाहो तो वो वाला वीडियो मैं इस वीडियो के एंड पे डाल दूंगी, तो आप वो वाला वीडियो जो है देख सकते हैं। अभी देखिए अंदर का पार्ट जो आराम से क्लीन हो चुका है, अभी मैं साइड का जो पार्ट रहता है ना उसमें भी खाना गिर गिर के ऐसे ही चिपक जाता है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। बाकी जो स्टोव का जो बर्नर रहता है उसके नीचे एक भी एक प्लेट रहता है, तो उसको भी मैं थोड़ी देर के लिए बेकिंग सोडा और विनेगर दे के ऐसे ही भिगो के रख दी थी 30 मिनट्स तक। तो अभी उसको भी आराम से जो लिक्विड देके डिशवॉशिंग लिक्विड जो रहता है उसको भी मैं आराम से क्लीन कर रही हूँ और फिर उसको धो के ड्राई कर दूँगी। तो मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप चाहते हो तो ये वाला सब चीज़ ना रात में करो ताकि जो है आपका सारा किचन का सामान या फिर जो भी आप क्लीन कर रहे हो सुबह तक ड्राई हो जाए ताकि नेक्स्ट डे आप सुबह उठ के उसको आराम से फिर फिट करो और आपका खाना बनाना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर एक दिन पहले या फिर थोड़े पहले ही खाना बना के रख दो, क्योंकि जब भी आप किचन का क्लीनिंग करने में लग जाते हो टाइम का पता नहीं चलता, और अगर आप लोग फ्रेश हर रोज़ खाना बनाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती ही होती है। तो अभी मेरा सब कुछ जो है क्लीन हो चुका है, तो लास्ट में मैं थोड़ा सा टॉवल लेके जो है स्टोव टॉप का ऊपर का पार्ट जो है ऐसे ही वाइप डाउन कर रही हूँ, और बाद में जब सब ड्राई हो जाएगा उसके बाद जो है मैं बर्नर में वो सारा चीज़ जो है कॉयल जो रहता है ना वो फिट कर दूंगी। और इसी टाइम पे मुझे दिख गया कि मेरा जो फिल्टर रहता है यानी कि जो माइक्रोवेव के नीचे जो हम लोग का फिल्टर रहता है ना वो बहुत ही गंदा हो गया है,
तो बहुत महीने हो गया मैं क्लीन नहीं की थी, मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। आप लोग देख सकते हो अभी मुझे दिखाई दिया, तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे फिल्टर क्लीन कर रही हूँ। और अभी मेरा सब कुछ ड्राई हो चुका है, तो मैं ऐसे एल्युमिनियम फॉइल लगा देती हूँ और उसके ऊपर जो है मैं वो कॉइल को डाल देती हूँ। तो देखिए मेरा जो स्टोव टॉप है पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आप लोग अपना घर का जो फिल्टर रहता है वो कैसे क्लीन कर सकते हो। तो पहले एक पुराना बर्तन मैं ली हूँ, बहुत ही पुराना है, इसमें मैं खाना नहीं पकाती हूँ, ऐसे ही रखा है क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो इसमें पहले पानी को गर्म कर रही हूँ और उसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ सॉल्ट। और आपका जो बर्तन है जितना बड़ा हो और जितना डीप हो बेटर है, ताकि आपका फिल्टर जब पानी में कम्प्लीटली डुबो के रहेगा ना तो अच्छे से क्लीन होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चाहिए बेकिंग सोडा, जैसे कि बताई हूँ क्लीनिंग पर्पज़ के लिए बेकिंग सोडा और विनेगर इज़ ए मस्ट हमेशा। और मैं हमेशा घर पे ना बहुत बड़ा बड़ा पैकेट और बड़ा बड़ा बॉटल से रखती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाली हूँ बेकिंग सोडा, ऑलमोस्ट 2 टीस्पून होगा, और इसको हमें बस बॉयल कर लेना है। और ये देखिए मेरा फिल्टर कितना गंदा और कितना मैला है, मतलब इससे और मैला तो हो ही नहीं सकता। तो इसको अभी जब पानी हम लोग का अच्छे से बॉयल हो जाएगा, अब इसमें मैं डाल दी हूँ मेरा फिल्टर, और देखिए पानी कितना गंदा हो गया है कुछ देर में ही। मैं अपना जो पैन है चेंज कर दी, क्योंकि वो ये थोड़ा सा बड़ा है। इस स्टेज पे आपको थोड़ा पलट पलट के ऐसे ही कर लेना है, ताकि आपका जितना भी मैला है, बेसिकली ये कुछ नहीं है सिर्फ ऑयल है, क्योंकि जितना भी हम लोग कुकिंग करते हैं ना सारा ऑयल ऊपर जाके फिल्टर में जो एग्जॉस्ट फैन रहता है वो उसमें ही ये हो जाता है, तो इसलिए फिल्टर इतना गंदा हुआ है। तो अब देखिए जब फिल्टर को हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही गर्म पानी में डाल चुके हैं, इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ विनेगर, और बीच में मैं थोड़ा सा पानी को जो है चेंज कर दी थी, इसलिए आपको पानी थोड़ा इतना साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ विनेगर, और कुछ देर के लिए हमें इसको ऐसे ही क्लीन पका लेना है। तो मेरा गैस जो है ऑन है, आप लोग देख सकते हो पानी बॉयल हो रहा है। बस थोड़ी देर में ही 5-10-15 मिनट में मैक्स लगेगा और आप लोग का फिल्टर जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा आप आपका पैन जो है बड़ा हो, ताकि आपका फिल्टर अच्छे से पानी में डुबो के रहे, और ताकि जब बॉयल होगा ना पानी तो सारा मैला जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद ना आपको ऐसे ही निकाल लेना है आपका सारा फिल्टर को, और अच्छे से आप नॉर्मल पानी या फिर सोप में क्लीन कर सकती हो। और आपका फिल्टर देखिए पूरा नए जैसे लगने लगा, आपको मतलब डिफरेंस पता चल रहा होगा कितना मैला था पहले और अभी पूरा नया लगने लगा है। तो बीच बीच में यू नो फिल्टर को क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि आपका एग्जॉस्ट फैन जो है अच्छे से काम भी करेगा। ताकि यू नो मुझे लग ही रहा था कि मेरा क्यों इतना नहीं क्लीन हो रहा है एग्जॉस्ट फैन, और सारा मैला क्यों ऊपर में बैठ रहा है। तो बाद में मैं रियलाइज़ की कि मैं बहुत दिन हो गया फिल्टर ही क्लीन नहीं की हूँ। तो ये हो गया हम लोग का फिल्टर क्लीन। तो चलिए बढ़ते हैं और कुछ कुछ सामान जो है किचन का डिक्लटर करते हैं। तो ये सारा सामान जो है मेरा इतना यूज़ नहीं हो रहा है किचन में, कुछ कुछ अच्छे कंडीशन में भी नहीं है आप लोग बोल सकते हो। तो ये सारा सामान को जो है मैं फेंक रही हूँ, क्योंकि और कोई यूज़ करने के लायक भी नहीं है। अगर अच्छा कंडीशन में होता तो शायद मैं डोनेट कर देती, लेकिन बिल्कुल अच्छा कंडीशन में नहीं है। नॉनस्टिक पैन जो उसका स्क्रैचेस आने लगे हैं, और फिर कुकर वो भी ख़राब हो गया है, एक मिक्सी था वो भी नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं सारा सामान जो है फेंक रही हूँ। एक पैन जो है मैं उसको रखी हूँ, ताकि जैसे कि अभी फ़िल्टर क्लीन की ना, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा क्लीन करने में यू नो यूज़ होगा, क्योंकि मैं नॉर्मल पॉट्स एंड पैन में इतना गंदा चीज़ क्लीन नहीं करती हूँ जिसमें मैं खाना बनाती हूँ। तो एक को मैं रख रही हूँ और बाकी सारा जो चीज़ है ना मैं सबको फेंक रही हूँ। वैसे तो बहुत दिन हो गया मैं ये सारा चीज़ यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब खराब कंडीशन में है, लेकिन होता है ना हम लोग लेडीज़ लोग का रहता है कि यार फेंकने में पता नहीं हाथ ही नहीं जाता, कि नहीं कभी तो कुछ ना कुछ चीज़ में काम आ जाएगा, यू नो इमरजेंसी में अर्जेंट में कभी अगर चाहिए होगा तो इसलिए नहीं फेंक पा रही थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं इट्स हाई टाइम कि मुझे करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि जो चीज़ आप लोग घर पे यूज़ नहीं कर रहे हो और लग रहा है कि आप लोग का घर का यू नो स्पेस ले रहा है, तो आप लोग भी डिक्लटर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ, और मैं आप लोग के साथ एक सिंपल सा चिकन करी शेयर करने वाली हूँ। ये जो यू नो चिकन करी जब बनाई थी, और वो डिक्लटर और किचन क्लीनिंग ये दो अलग अलग दिन वीडियो में रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैं आप लोग के साथ कम्बाइनली एक वीडियो पे शेयर कर रही हूँ।
तो पहले मैं थोड़ा सा चॉपिंग चल रही है, थोड़ा सा प्याज काटी हूँ, अदरक और लहसुन, और उसका एक पेस्ट बना रही हूँ। तो ग्राइंडर जार में डाली हूँ थोड़ा सा जीरा, और फिर हाफ ऑनियन बोल सकते हो या फिर एक बड़ा सा ऑनियन, और फिर थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक, और उसको हमें बस एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। और एक चॉपर में थोड़ा सा जो है मैं ऑनियन को चॉप करके रखी हूँ। ये एक एक्चुअली नया चॉपर ली थी, मुझे लगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चॉपर है लेकिन मुझे एक छोटा सा मैनुअल चॉपर चाहिए था, तो इसलिए बहुत ही छोटा सा था तो मेरा ड्रॉर में चला जाता, तो इसलिए मैं ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी या फिर उसका नाम नहीं बता रही हूँ। तो फिलहाल मैं मैरिनेट कर रही हूँ थोड़ा सा चिकन को। तो चिकन में डाली हूँ हल्दी, नमक और थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और बाद में मैं डालूंगी थोड़ा सा दही, और उसको बस थोड़ा सा मैरिनेट करके रख लेना है 15 से 20 मिनट, जब तक आप लोग आपका चिकन करी प्रिपेयर कर लेते हो तब तक। और अभी एक पैन में मैं ले रही हूँ ऑयल, मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए जब भी कोई नॉनवेज बनाती हूँ, और वो मेरा बॉटल जो है ना लीक हो रहा है लाइक ऑयल का बॉटल। तो पहले मैं थोड़ा सा आलू को फ्राई कर रही हूँ, तो मेरा आलू में जो है उसका छिलका है, आप लोग देख सकते हो, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो पहले थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के आलू को तेल में फ्राई कर लूँगी। ये ऑप्शनल स्टेप है, मैं आप लोग के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, उड़ीसा में आलू हर चीज़ पे नॉर्मली डाला जाता है, हम लोग के घर में नहीं डाला जाता था लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और उसको बस फ्राई करके मैं एक साइड निकाल रही हूँ। अब सेम पैन पे मैं थोड़ा सा खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि बे लीफ हो गया, सिनेमन स्टिक, फिर लौंग, फिर इलायची, बड़ी इलायची और एक स्टार एनीस, और उसको बस 1 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेना है। अब मैं हाफ ऑनियन को ऐसे ही छोटे छोटे करके चॉप करके रखी थी, तो इसको हमें डाल के अच्छे से भून लेना है। तो ऑनियन जो है अच्छे से भून गया है, मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दी थी ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है फास्ट हो सके। अब जो हम लोग मसाला ग्राइंड करके रखे थे ना, ऑनियन, जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा जीरा का पेस्ट, वो डाल दूंगी, और उसको डाल के वो उसको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक हम लोग का मसाला जो है अच्छे से भून ना जाए और उसका रॉ स्मेल चला ना जाए। अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा भूनने लगा है, थोड़ा सा मेरा स्टील का कढ़ाई है तो मैं थोड़ा सा उसको स्क्रैप आउट कर रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा पानी देके भी मसाले को अच्छे से भून सकते हो। अब मेरा जो है मसाला अच्छे से भून गया है, तो इस स्टेज में मैं थोड़ा सा ड्राई मसाला डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आप चाहो तो इस स्टेज पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी खाने वाली है, मैं पहले निकाल दूंगी इसको और बाद में मैं लास्ट में ऐड करूंगी। तो इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक हम लोग का ड्राई मसाला अच्छे से भून ना जाए। अब देखिए मेरा मसाला अच्छे से भून गया है, इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ हम लोग का मैरिनेट किया हुआ चिकन, और कलर आप लोग को पता चल रहा होगा बहुत ही बेसिक सा वाइट वाइट सा कलर दिख रहा है, क्योंकि कोई कलर या फिर कोई मसाले मैं यहाँ पर नहीं डाली हूँ, रेड चिली पाउडर या फिर कोई भी मसाला, तो इसलिए बहुत ही सिंपल सिंपल सा दिख रहा है। तो बस चिकन को डाल के हमें थोड़ा सा मीडियम टू हाई आंच में थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। तो चिकन को 5 से 10 मिनट भून के रख चुकी थी और थोड़ा सा लिड लगा के भी रखी थी। जब चिकन से थोड़ा सा पानी जो है रिलीज़ हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे चिकन मसाला डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ MDH का कढ़ाई चिकन मसाला, और उसको बस एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। और आप चाहो तो स्टेज पे आपका जितना ग्रेवी करना चाहते हो उसके हिसाब से पानी दे सकते हो, और उसको अच्छा सा मिक्स दे के फिर स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए, और बस ढक्कन लगा के उसको कुक कर दीजिए जब तक आपका जो चिकन जो है अच्छे से गल ना जाए। मैं पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कुक की और फिर उसके बाद फिर से पानी ऐड करके और उसको फिर ढक्कन लगा के कुक कर दी।
तो जब मेरा चिकन करी अच्छे से कुक हो गया, चिकन जो है सॉफ्ट हो गया, लास्ट में मैं ऐड की थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि पहले मैं अपनी बेटी के लिए निकाल दी चिकन और उसके बाद ऐड की रेड चिली पाउडर। और ये देखिए हम लोग का सिंपल सा चिकन करी जो है बनके तैयार है। इसको यू नो प्लेन राइस के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो बस गाइज यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन और थोड़ा सा डिक्लटरिंग और ये सिंपल सा चिकन करी की रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग भी अपना घर का कोई भी पार्ट जो है क्लीन करना चाहते हो, किचन हो गया, लिविंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, कुछ भी, तो इस टाइम का फ़ायदा उठाइए और ज़रूर क्लीन कर दीजिए अपना घर का कोई भी कोना। और मुझे बताइए आप लोग किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फिल्म दैट वीडियो फॉर यू ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।